पत्रकार वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ी सरकार की स्कीम चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसी के तहत उसका एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें कैशलेस इंश्योरेंस दिया जा रहा है। जो भी फैमिलीज के लिए एलिजिबल हैं उनको 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इंश्योरेंस दिया जाएगा, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 32,816 फैमिलीज हैं जिनको ये इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ये सब उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल गरीब परिवार हैं, जिनके घर में कोई नौकरी नहीं है या कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सारे फैमिलीज इसमें कवर हो रही हैं। और टोटल बेनिफिशियरी इसमें 1,78,920, लगभग हमारे ज़िले की 30% पॉपुलेशन इसमें कवर हो रही है। और इसमें जो भी हमारे इसमें बेनिफिशियरी होंगे उनका एक गोल्डन कार्ड बनेगा, और उस गोल्डन कार्ड के दिखाकर वो जहाँ पर भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, चाहे वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हों, और 6 हॉस्पिटल प्राइवेट हमारे डिस्ट्रिक्ट में इम्पैनल किए हैं, तो वो कहीं पर भी जाके अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है और अपना ट्रीटमेंट फ्री करवा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम इसको पूरी मेहनत से इसको लागू कर रहे हैं। तो मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि लोग इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आ गया है, कि जितने भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर और खिदमत सेंटर हैं, और जो CHC रामनगर और चेन्नई और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सब सेंटर्स में हमारी मशीन्स लगी हुई हैं, वो रजिस्ट्रेशन करेंगी बेनिफिशरीज का, और उसके बाद में गोल्डन कार्ड जनरेट होगा जिससे कि लोग फिर उसको अपना कहीं भी दिखा के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि गरीब आदमी के पास में कोई साधन नहीं था, उसके पास पैसे की कमी होती थी, वो अपना इलाज नहीं करा सकता था, तो इसमें सारे इसमें मेंबर उसके परिवार के कवर होंगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है बेनिफिशरी का। तो एक बहुत बड़ी स्कीम है, और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम प्राइवेट जो सेंटर है हमारे उससे कराएंगे तो इसमें पहले 30 रुपये इसमें चार्ज था, लेकिन वो 15 रुपये चार्ज कर दिया गया है, और हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हेल्थ के स्टाफ है या बाकी स्टाफ है इसमें मिलकर इसमें मेहनत कर रहे हैं। सर, जिला काफ़ी बहुत बड़ा है, काफ़ी दूर दराज इलाके भी उसमें फॉल करते हैं, क्या वहाँ तक जाने के लिए किस तरह के अवेयरनेस कैंप किए जाएंगे ताकि उन तक ये स्कीम पहुँचे जिनकी जो बिल्कुल नीड है, गरीब लोग हैं जो BPL का टाइप इसमें आते हैं? इसमें जो भी हमारे हर गांव के हमारे पास में लिस्ट है कि जो भी इसमें लोग एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं उन सब तक के लिए पहुंचाने के लिए, इसीलिए खिदमत सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर का सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि वो दूरदराज क्षेत्रों में भी है, चाहे मोंगरी हो चाहे पंचेरी हो, तो हर क्षेत्र में ये सेंटर्स हैं, तो उसके थ्रू लोगों को हम अवेयर करेंगे। और हमारी टीम्स मोबाइल भी रहेंगी, वो ये नहीं कि सेंटर के ऊपर ही काम करेगी, वो जिस हैबिटेशन में बेनिफिशियरी है उसके अंदर भी जाएंगी, हर गांव में हर मोहल्ले में ये टीम्स जाएंगी। बड़ी बात होती है कि डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी इश्यूज बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है जो लोग बेनिफिशियरी हैं उनको दिखाने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको जो बेनिफिट मिलेगा? इसमें 4 डॉक्यूमेंट है, एक तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक लेटर आएगा उसके बेनिफिशियरी के हम घर उसको 5 दिन में पहुंचा देंगे, तो एक तो वो लेटर भी दिखा सकते हैं, उसके अलावा अपना वोटर आई कार्ड है या आधार कार्ड है, या इसके अलावा इसके अलावा राशन कार्ड भी एक इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ये ऐसे डॉक्यूमेंट है जो सबके पास में होते हैं, तो इसको दिखा के कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और उसके बाद में उसका कार्ड उसको मिल जाएगा। सर, ये फैमिलीज जो हैं जो बेनिफिशरीज हैं इन फैमिलीज को कैसे चयनित किया गया है, किस आधार पर जो है ये फैमिली चयनित? इनको चयनित करने का इसका जो आधार है वो ये है कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में उसके बेसिस पे किया गया है, तो इसमें लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट की 32,000 फैमिली इसमें शामिल हुई है।